वालेकुम एवरीवन. ओके गाइस, तो हम कह रहे थे रेटिनाज, इसमें अब हम करेंगे अगला टॉपिक जो कि है रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन. ठीक है, रेटिनल वेन ऑक्लूजन इज डन. और उसमें भी जाहिर सी बात है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको करेंगे. एक है हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन और दूसरा होगा ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन. किस बेस पर डिवाइड किया हुआ, वही बात है मैंने आपको पहले बताया था. जिस तरह से मैं आपको ये बात वेन में बता चुकी हूँ कि अगर ये बुरी सी आई है, मतलब समझ लें इसको, एंड ये है हमारे पास पीछे ऑप्टिक नर्व. तो इस ऑप्टिक नर्व के सेंटर में वी हैव ट्रेवलिंग ऑफ आर्टरी. ठीक है, ये किधर से आती है, आपकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ये ब्रांच होती है. ठीक है, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आपकी पीछे होती है, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच, उसकी ब्रांच होती है आपकी ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो इसकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, ये ऑप्टिक नर्व के सेंटर में ट्रेवल करती है. ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, इसके सेंटर में करती है. और दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज लेमिना क्रिब्रोजा. इस पॉइंट पे आकर ये डिवाइड हो जाती है इंटू मल्टीपल ब्रांचेस. ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होंगी जो आर्टीरियोज कहलाती हैं. अब इस आर्टरी ने सप्लाई करना है आपकी ऑप्टिक नर्व को और उसके अलावा रेटिना की बहुत सारी लेयर्स को. यानी कि अगर हमारे पास इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगा, ऑक्लूजन आएगी, तो मेन आर्टीरियल सप्लाई ऑफ योर रेटिना ख़त्म हो जाएगी. आर्टरी सप्लाई नहीं ला रही तो वेन्स कुछ भी ड्रेन नहीं कर सकती. ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आर्टीरियल सप्लाई नहीं होगी तो आपको, जब आप देखेंगे फंडोस्कोपी करेंगे, तो आपको ना तो आर्टरीज नज़र आएंगी और ना ही आपको वेन्स नज़र आएंगी. क्यों नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि आर्टरीज भी खाली हैं और वेन्स भी खाली हैं. जो चीज़ आ ही नहीं रही तो वो जा कैसे सकती है कुछ भी वापस. ठीक है, तो इस वजह से आपका ये बहुत मेजर ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है, मतलब आप मेजर लॉस कर देती है. ना आर्टरी, ना ब्लड सप्लाई, ना न्यूट्रिशन, ना ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं. तो जाहिर सी बात है ब्लाइंडनेस हो सकती है. तो ये बहुत आपकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन का सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है. और इंतहाई आसानी से आप एक दफा कर लेंगे अच्छे से, इट विल बी डन. ठीक है, तो मैंने आपको शुरू करना बताया कि इंटरनल कैरेटरी आर्टरी, उसकी ब्रांच ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जिसकी ब्रांच है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और रेटिनल आर्टरी आके डिवाइड हो जाती है ब्रांचेज में. यहाँ तक याद रखना. अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, यानी कि ये वाली आर्टरी जो लेमिना क्रिब्रोजा से पहले पहले इसकी कहीं भी ऑक्लूजन हो जाएगी, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन. अच्छा जी, अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉज हमने उसको दो में डिवाइड किया. ठीक है, या तो अब जाहिर सी बात है ऑक्लूजन किस चीज से होगी. एक तो ये हो सकता है आपका कि कोई थ्रोम्बस जो है वो यहाँ पर बन जाए, तो उसकी वजह से ऑक्लूजन हो सकती है. और थ्रोम्बस क्यों हो सकता है, जो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, उनमें वाइड स्प्रेड उनकी आर्टरीज में, उनकी वेसल्स में एथरोसिक्लेरोटिक एपिसोड्स चल रहे होते हैं. ठीक है, अभी जो एथरोसिक्लेरोटिक एपिसोड्स है, एथरोसिक्लेरोसिस आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा डेफिनेटली, कि आपकी वेसल की वॉल में एक पूरा का पूरा आप समझ लें कि प्लाक सा बन जाता है, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ज़्यादा लिपिड्स होते हैं वगैरह वगैरह, जो इतना बड़ा भी हो सकता है कि आपकी आर्टरी के ल्यूमिन को पूरा ऑक्लूड कर दे. तो क्योंकि ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बहुत छोटी सी आर्टरी है, अगर इसमें ऐसा कोई प्लाक बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, तो ये पूरी ऑक्लूड हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई नहीं आएगी. दूसरा होता है एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म आपको पता है एम्बोलिस होता है कि जो थ्रोम्बस कहीं और बना था बॉडी में, किसी और वेसल में बना था, वो डिसलॉज होकर आपका इस वेसल में आ गया. मोस्ट कॉमनली आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज है, यानी कि आपकी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जिनसे जा रही, सॉरी कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी भी नहीं, मोस्ट कॉमनली जो आपका एथरोसिक्लेरोटिक प्लाक्स बनते हैं वो कैरोटिड आर्टरीज में ही बनते हैं. ठीक है, तो आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उनमें अगर कोई प्लाक बनता है और वो प्लाक उसके बाद डिसलॉज हो जाता है, मतलब इसी तरह का प्लाक से मुरादी थ्रोम्बोटिक प्लाक है मेरा. ठीक है, ये थ्रोम्बस बना वहाँ पर और ब्लड फ्लो तेज थी, पूरा थ्रोम्बस नहीं था वहाँ पर, सपोज उसने पार्शली ऑक्लूड किया हुआ था. ठीक है, इतना सा थ्रोम्बस था, ब्लड फ्लो तेज आया, उस ब्लड फ्लो ने इस थ्रोम्बस को डिसलॉज कर दिया. अभी डिसलॉज थ्रोम्बस जो होते हैं उसे एम्बुलस कहते हैं. ये अब ब्लड में चलता 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 ट्रेवल करता रहेगा, तब तक ट्रेवल करेगा जब तक ये किसी जगह जाके फंस नहीं जाता. और सपोज कि जिस वेसल में ये बना था कैरोटिड आर्टरी, वो तो आपकी बड़ी आर्टरी है. आपको पता है कि हार्ट से, एओर्टा से मेन निकलती हैं जो वेसल्स, उनमें आपकी कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, उसमें आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड दोनों आती हैं. ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस में से ये आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है. ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनल कैरोटिड में कहीं पर ये प्लाक बना था, थ्रोम्बस बना था, जो डिसलॉज हो गया, डिसलॉज होकर ये फिरता हुआ आया ऑफ्थैल्मिक आर्टरी में, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी भी बड़ी थी वहां पर भी ये नहीं रुका, उसके बाद ये फिरता हुआ आया रेटिनल आर्टरी में. अब ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी तो इतनी बड़ी नहीं है, इसका ल्यूमिन तो छोटा है, तो ये छोटी थी इसलिए वो वहां पर पूरा का पूरा
सपोज इसका ल्यूमेन इतना सा है तो यहाँ पर इस प्लाक ने फंस गया तो ऑक्लूजन कर दी, तो दिस इज द एम्बुलस। ठीक है, एम्बुलस डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट में पैथोलॉजी क्या चल रही है। बहुत सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल एम्बुलाई होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाइपर टेंशन ओबेसिटी ये सारी बातें उसको स्टिमुलेट करती हैं। फिर कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ लोगों में कोएगुलोपैथी की एपिसोड चल रही होती है। कोएगुलोपैथी का मतलब है कि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई इशू होता है और उनकी बॉडी में वाइड स्प्रेड कोएगुलेशन चल रही होती है, क्लॉट्स बन रहे होते हैं। तो वो क्लॉट्स जो होते हैं ना वो प्लेटलेट और फाइब्रिन उसमें बहुत रिच होता है, वो भी एम्बुलस आ सकता है, कहीं पर बना हुआ एम्बुलस यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम की डिपोजिशन अगर किसी के हार्ट के वेल्व्स में जो कैल्सिफिक एरियाज होते हैं, मतलब उनमें होते हैं ना जो डिजेनरेटिव डिजीजेज होती है ना हार्ट की, वहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाती है, तो वहाँ से अगर कोई चीज़ डिसलॉज होकर ब्लड में आ गई है तो वो भी एम्बुलस होता है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि एम्बुलस कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी कोई चीज़, कोई फिरती फुरती हुई, कोई प्लाक, कोई क्लॉट, कुछ भी जिसने आकर बस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो एम्बुलस होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एम्बुलाई के अलावा हमारे पास जो कॉज हो सकती है इस सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की, वही स्पैज्म हो सकता है। मैंने आपको बताया था बहुत शदीद वेजो स्पैज्म हो अगर बंदों में, कुछ लोगों में होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होती है एकदम से कि बहुत ज़्यादा शदीद वेजो स्पैज्म होता है और सारी आर्टरीज और वेसल्स एकदम ऑक्लूड हो जाती हैं बिल्कुल, तो वो भी आपकी ऑक्लूजन कर सकती है। इसके अलावा अगर आपका इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है तो उससे भी आपकी वेसल पे प्रेशर पड़ता है, वेसल का ल्यूमन बंद हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द कॉजेज, लेकिन इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वो वाली बात नहीं है, कोई और समझे कि इसके अलावा रेटिना की आर्टरीज के जो अपने मसले होते हैं जैसे जाइंट सेल आर्टराइटिस है, पोलियाट्राइटिस नोडोजा है, या आर्टरीज की अपनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, इनमें आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो ये जब कंडीशन होती हैं तो इसमें पूरी बॉडी की आर्टरीज इफेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कर सकती है ऑक्लूजन, वो यहाँ पर ऑक्लूजन कर सकती है। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के जो है ना ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़रा आपके पास सिनेरियो आएगा तो क्लिनिकल फीचर्स के साथ ही सिनेरियो आएगा, याद रखना इसको। सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, बहुत सिंपल है, पेशेंट को आपको मैंने बताया कि आर्टरी में ऑक्लूजन है, मेजर आर्टरी, सबसे मेजर आर्टरी में, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास विजुअल लॉस होता है दैट इज पेनलेस विजुअल लॉस एंड सडन। ठीक है, ये दो लफ्ज याद रखने हैं, सडन पेनलेस विजुअल लॉस है और इतना ज्यादा है कि हमारे पास बिल्कुल ऑलमोस्ट उसकी नजर चली जाती है। अच्छा, तो आपने जो इसकी पेशेंट की सिम्टम्स होते हैं इसमें, एक तो इसमें मैंने बताया ना कि सडन पेनलेस विजुअल लॉस होता है और वो भी इस तरह से हम कहते हैं उसको, मतलब हम उसे डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रांजिएंट, यानी कि अचानक से हो गया, ट्रांजिएंट सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इस तरह से हो जाती है, वो भी वन साइड पे, क्योंकि जाहिर है मोस्ट कॉमन इसकी जो कॉज है ना वो थ्रोम्बस है, मोस्ट कॉमन 90% केसेस थ्रोम्बस की वजह से होते हैं, तो थ्रोम्बस आपकी दोनों तरफ एकदम से तो नहीं बन सकता, एक आंख में बनेगा, तो सडन पेनलेस ट्रांजिएंट या फिर मोनोऑक्युलर विजुअल लॉस, जैसे ऐसा लगता है कि एकदम आंख के आगे पर्दा आ गया, इसको हम कहते हैं, मतलब इसे जो डिस्क्राइब करने के लिए टर्म है वो है अमारोसिस फ्यूगेक्स। ठीक है, अमारोसिस, ठीक है, मैं स्पेलिंग में क्या लिख रही हूँ, अमारोसिस फ्यूगेक्स, तो ये लफ्ज आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यू का बड़ा और आपके वाइवा का बड़ा खूबसूरत लफ्ज है जो आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन एमारोसिस फ्यूगेक्स, तो इसमें इतने मुश्किल लफ्ज में और कोई बात नहीं है, सिर्फ इसके कि आपका जो सडन मोनोऑक्युलर पेनलेस लॉस ऑफ विजन है जो एक साइड पे हो जाता है, जैसे ये कर्टन आपकी आंख के आगे गिर गया हो, उसको बिकॉज ऑफ द रीजन भी उसके ये होनी चाहिए कि रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से जो होता है उसको हम कहते हैं अमारोसिस फ्यूगेक्स। ठीक है, तो पेशेंट आपके साथ इसी तरह प्रेजेंट करता है और अगर पूरा विजुअल लॉस नहीं भी होगा तो जाहिर है काफी हद तक विजन डिटेरियोरेट हो चुकी होगी, काफी ज्यादा, मतलब काउंटिंग फिंगर्स भी नहीं रहता, बहुत हो तो इतना रहता है कि उसे सिर्फ लाइट थोड़ी बहुत नजर आ रही होती है। साइंस आपको क्या नजर आएंगे, विजुअल एक्विटी पेशेंट की बहुत पुअर होगी, प्यूपिल आप देखेंगे तो डायलेटेड होगा, क्योंकि प्यूपिल क्यों डायलेटेड होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो बेचारी एट्रोफीड हो रही है, मतलब ऑप्टिक नर्व का फंक्शन लूज हो गया, क्योंकि ऑप्टिक नर्व की जो ब्लड सप्लाई आ रही थी वो रेटिनल आर्टरी से थी, जब ये ब्लड सप्लाई ऑप्टिक नर्व की खत्म होगी तो ऑप्टिक नर्व का जो एरिया ऑफ सप्लाई है वो सारी सी बात है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिले, तो ऑप्टिक नर्व क्या फंक्शन करेगी, तो आपके ऑप्टिक नर्व फंक्शन नहीं करेगी तो पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन भी सही से नहीं हो पाएगी, तो पीपल डायलेटेड होता है आपका और इसमें आपको आरएपीडी यानी कि रिलेटिव ऑफरेंट पीपिलरी डिफेक्ट वो हमेशा प्रेजेंट होता है, आरएपीडी आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है इस वजह से, बिकॉज आपका पीपल जो है वो बहुत डेफिनेट सी बात है कि उसको रिस्पांस नहीं दे रहा होता लाइट को। फंडस को आप एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको डायग्राम से ही बता देती हूँ, पहले तो मैं मतलब एक दफा एक जनरल सा बता देती हूँ आपको बोल के, क्या फंडस में वैसे मिलता होता है अच्छी सी वेसल्स, आप ऐसे देखते हैं यहाँ पर आपको ऑप्टिक डिस्क मिलती है, बड़ी अच्छी सी वेसल्स मिलती हैं, अब आपके पीछे से जो वेसल आ रही थी वही खत्म हो गई है, वैसे ही पीछे से आने वाली खत्म हो गई है, तो ना आगे ब्लड कोई लेके आ रहा है ना
जहाँ वेन्स बनेंगी उसे लेके जाने के लिए, इंतहाई थिन आपको ऑलमोस्ट जो नज़र ही नहीं आई होंगी उस तरह की आपको वेसल्स नज़र आएंगी, आर्टरीज और वेन्स दोनों बहुत ही थिन, बिल्कुल थ्रेड की तरह की, या फिर आपको ऐसे लगेगा नज़र ही नहीं आ रही, पूरा आपका जो फंडस है बिल्कुल पेल हो चुका होगा, पीला, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई है ही नहीं, ठीक है। तो पेल फंडस है, कोई ब्लड वैसे नज़र नहीं आ रही। सेंटर में ना यहाँ पर जो मैक्यूला वाली जगह होती है यहाँ पर आपको एक चेरी रेड कलर का, मतलब एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं चेरी रेड स्पॉट। वो क्यों होता है, आपको याद है कि मैक्यूला का सेंट्रल पोर्शन जब हमने बनाया था, मैंने आपको फोविया पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैक्यूला का यानी फोविया का जो सेंट्रल पोर्शन है जिसे हम फोवियोला कहते हैं, वो ऐसे करके डिप्रेस्ड पोर्शन होता है। उस पोर्शन में रेटिना की बाकी सारी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कॉन्स होती हैं जो कि मैक्सिमम विजुअल एक्विटी वाली जगह है, ऐसे ही है। और इस एरिया की हमने कहा था कि ब्लड सप्लाई भी नहीं होती, ये ए वैस्कुलर जोन होता है, क्योंकि इसके नीचे पड़ी हुई होती हैं कोरियो कैपिलरीज, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, आप बताए ना रेटिना के बाद जो लेयर है वो कोरोइड है, और कोरोइड में कोरियो कैपिलरीज हैं। ये वाली जो एरिया होता है हमारे पास फोविया वाला, ये एरिया रेटिना की ब्लड सप्लाई यहाँ पर नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैपिलरीज, इसके पीछे पड़ी हुई है कोरियो कैपिलरीज, तो क्योंकि ये एरिया डिप्रेस्ड होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए जब हम सामने से देखेंगे तो इस एरिया के अंदर डिप्रेशन है, तो बाकी सारे रेटिना हमें पेल नजर आएगा, ये स्पॉट हमें रेड नजर आएगा, क्योंकि इसके पीछे पड़ी हुई जो कोरियो कैपिलरीज है ना, अब वो शाइन कर रही होती है। शाइन इसलिए कर रही होती है क्योंकि आगे जगह सिर्फ इतनी सी है, बाकी सारा रेटिना इतना थिक है, कोरियो कैपिलरीज पड़ी हुई सारे के पीछे हैं, मतलब हर पूरे रेटिना की जो अगली लेयर है रेटिना के बाद वो कोरियो कैपिलरीज और कोरोइड ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बाकी सारी रेटिना में तो 9 लेयर्स आगे आ जाती है ना, तो इस वजह से वो तो सारा कवर कर देती है कोरोइड को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक लेयर होती है, लेयर ऑफ कॉन्स, तो इस वजह से दिस इज द थिनेस्ट पॉइंट ऑफ द रेटिना, तो यहाँ पर हमें रेड कलर का स्पॉट नजर आ रहा होता है चमकता हुआ, बिकॉज ऑफ द कोरोइड की कैपिलरीज, ठीक है। तो इसको करेक्टरिस्टिक चेरी रेड स्पॉट कहते हैं, ये भी आपके वाइवा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको इसी डिजीज में खाली नजर आते हैं। तो व्हाइट रेटिना हो गया, चेरी रेड स्पॉट हो गया, उसके बाद आपकी रेटिनल आर्टरीज बिल्कुल नैरो हो जाती हैं। कहते हैं कि हमारे पास वेन्स इस तरह नजर आती हैं जैसे स्लज होगी, जैसे मिक्स अप होगी, समझ ही नहीं आता, उसे कैटल ट्रैकिंग कहते हैं, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर ये कंडीशन रहेगी तो एडिमा और एट्रोफिक चेंजेस आपके आने लग जाएंगे, आपके रेटिना में भी, वेन्स में भी, आपके ऑप्टिक नर्व में भी। अच्छा, उसके बाद आप ओसीटी करते हैं, जो आप कोहेरेंस ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे, तो आपको बाकायदा तौर पे पता चल जाएगा कि थ्रोम्बस किस जगह पर है, क्योंकि जाहिर है इसमें आपको रेटिना की सारी लेयर्स नजर आ जाती हैं, तो आपको ओसीटी के में जब रेटिना की लेयर्स नजर आती है तो उसमें आपको बिल्कुल जो एंड में रेटिना की लेयर है वहाँ पर आपको रेटिनल आर्टरी के क्लोज थ्रोम्बस मिल जाते हैं। फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी करेंगे, यानी कि आप जब चेक करने के लिए फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी में आपको पता है ना कि आप एक डाई इंजेक्ट करते हैं टू सी द वेसल्स ऑफ योर रेटिना, तो इसमें आपका क्योंकि ऑक्लूजन है पीछे तो डाई आगे आएगी ही नहीं और आपको कुछ भी नजर नहीं आ सकता एफएफए में। बाकी हम अगले पार्ट में करते हैं, अभी तक कोई मसला हो एक नासमी, थैंक यू।